हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए 4 नवंबर को मतदान होगा। राज्य की सभी 68 सीटों के लिए सियासी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। डीएन नाइट न्यूज ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों का दौरा किया है और विधायकों, दावेदारों, मतदाताओं और राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से बीते 5 सालों में हुए काम का लेखा जोखा लिया है। हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत विधानसभाओं में से एक है धर्मशाला। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र दिलकश धौलाधार की तलहटी में बसा है। धर्मशाला जितना भारत के पर्यटकों में प्रसिद्ध है, उससे कहीं ज्यादा विदेशी सैलानियों में मशहूर है। धर्मशाला को लिटिल लासा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का निवास धर्मशाला से 9 किलोमीटर दूर मैक्लोडगंज में मौजूद है। इसी के चलते इसे लिटिल लासा का दर्जा दिया गया है। मैक्लोडगंज को तिब्बतियों की निर्वासित राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। धर्मशाला स्टेडियम के चलते अब क्रिकेट के मानचित्र पर भी आ गया है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में कुल 61,341 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष वोटर्स की तादाद 31,874 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 24,967 है। धर्मशाला कभी भी एक पार्टी का गढ़ नहीं रहा, लेकिन इस सीट पर ज्यादातर राज बीजेपी ने किया। साल 1990 से लेकर साल 2003 तक यहां बीजेपी विधायक किशन कपूर काबिज रहे, लेकिन कपूर को साल 2003 में कांग्रेस की चंद्रेश कुमारी ने हराया। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में धर्मशाला सीट पर कांग्रेस की चंद्रेश कुमारी का फिर से मुकाबला बीजेपी के किशन कपूर से हुआ, लेकिन अब के बाजी किशन कपूर के हाथ लगी। पूर्व मंत्री और बीएसपी से चुनावी मैदान में उतरे मेजर विजय सिंह मनकोटिया तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 11,000 से अधिक मत हासिल हुए थे। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा लोकसभा सीट के तहत आती है। साल 2009 के आम चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के चंद्र कुमार और बीजेपी के राजन सुशांत आमने सामने थे, लेकिन बाजी राजन सुशांत के हाथ लगी। वहीं धर्मशाला से कांग्रेस के चंद्र कुमार ने बाजी मारी। सियासी इतिहास के बाद अब बात धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विकास की। वैसे तो धर्मशाला में कई चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन तमाम सियासी दल विकास को अहम मसला मानकर चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। विकास के मसले पर हमने सबसे पहले प्रदेश सरकार में मंत्री और धर्मशाला के विधायक किशन कपूर का रुख किया। बकौल किशन कपूर, उन्होंने अपने कार्यकाल में हर संभव विकास करने की कोशिश की। कपूर के मुताबिक उन्होंने जहां अपने निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया, वहीं साफ पानी और बिजली की व्यवस्था भी की। इसके अलावा कई ऐसे शैक्षणिक संस्थान खोले जिनमें छात्रों को प्रोफेशनल एजुकेशन दी जा रही है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मसले पर कपूर ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। स्पॉट टाउन के रूप में धर्मशाला विकसित हुआ। हर गांव में आज सड़कों का जाल बिछा है। हर गांव में पानी की व्यवस्था ठीक है। गर्मियों में भी यहां पानी की कमी नहीं होती। यहां बिजली की लो वोल्टेज धर्मशाला में नहीं है। धर्मशाला में रीजनल सेंटर के अलावा जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो सभी शुरू किए गए हैं। यहां लॉ की क्लासेस चल रही हैं। यहां MBA की क्लासेस भी हमने शुरू करा दी है। जो शिमला में विषय पढ़ाए जाते हैं, हमने प्रयास किया है कि वो धर्मशाला में पढ़ाए जाए, ताकि लोगों को सस्ती शिक्षा, आम परिवार के बच्चों को, गरीब परिवार के बच्चों को भी शिक्षा सस्ती, यहाँ घर की रोटी खाकर, घर में रहकर शिक्षा घर द्वार में मिले, उच्च शिक्षा। नहीं तो पहले उस शिक्षा से आम परिवार, गरीब परिवार के बच्चे वंचित रहते थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे कांग्रेस के लोग राजनीति करते रहे। दिल्ली में सरकार कांग्रेस की है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट उसमें मतलब जो क्लियरेंस फॉरेस्ट लैंड की नहीं दे रही है, तो वो भारत सरकार में वो लोग हैं, और यहाँ की जो विधायक कर रही हैं वो वहां आज लोकसभा की सदस्य हैं, तो एनवायरमेंट क्लियरेंस क्यों नहीं हो रही है? ठीक है ना, उसमें राजनीति की जा रही है।
किशन कपूर के मुताबिक उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान धर्मशाला को पर्यटन के मानचित्र पर लाया। कपूर के मुताबिक कांग्रेसी विधायक ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर परिवार से एक शख्स को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपना ये वादा पूरा नहीं किया। किशन कपूर ने कांग्रेस पर धर्मशाला को 15 साल पीछे धकेलने का आरोप भी लगाया। कपूर के मुताबिक कांग्रेस के शासनकाल में जहां हल्के में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई थी, वहीं उन्होंने अपने कार्यकाल में धर्मशाला की स्वास्थ्य सुविधाओं को काफी हद तक सुधारा है। पर्यटन की दृष्टि से भी 1990 के बाद हिमाचल धर्मशाला संसार के मानचित्र पर इसको लाए हैं। और जहां तक पिछले 5 वर्षों में जब बदला गया था, मैं चुनाव हारा था और यहां नारा कांग्रेस ने दिया था कि परिवार के हर सदस्य को नौकरी दी जाएगी, नौकरी तो किसी को नहीं मिली। पर जो दुर्दशा इस चुनाव क्षेत्र की हुई, ये चुनाव लगभग 15 साल पीछे धकेल दिया गया था। हमने यहां मेडिकल कॉलेज यहां से चलता था, यहां 160 डॉक्टर थे और उसको भी बदलकर टांडा मेडिकल कॉलेज में ले गए थे। और यहां जितनी भी जो मशीनरी थी उसमें बड़े बड़े मशीनरी जितनी भी होती है, जैसे बहुत सारी जो स्वास्थ्य के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, तो वो सारी की सारी यहां से शिफ्ट की गई थी और 4 डॉक्टर रह गए थे। और अब जो हम मतलब जब चुनाव हुए थे तो सिर्फ 4 डॉक्टर यहां थे। हमने सारे मतलब विभाग जो हैं उसके डॉक्टर यहां तैनात किए गए हैं। और आज हमारा जो यहां स्वास्थ्य जो जोनल हॉस्पिटल हमारा है उसकी दशा बहुत बढ़िया हो गई है। लोग टांडा जाना उचित नहीं समझते, बल्कि टांडा से भी लोग धर्मशाला में उपचार लेने के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं जब विकास के मसले पर हमने पूर्व कांग्रेस विधायक और जोधपुर से सांसद चंद्रेश कुमारी से संपर्क करना चाहा, लेकिन वो हमें नहीं मिली। धर्मशाला विधानसभा सीट हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी के लिए नाक का सवाल रही है। यहाँ हमेशा से दोनों पार्टियों में जंग होती आई है, लिहाजा दोनों पार्टियों की कोशिश रहती है कि वो यहाँ से अपने हैवीवेट कैंडिडेट को मैदान में उतारें। इस बार भी दोनों दलों ने अपने दिग्गज मैदान में उतारे हैं। बीजेपी ने मौजूदा विधायक और धूमल सरकार में मंत्री किशन कपूर को चुनावी समर में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने सुधीर शर्मा पर दाव खेला है। आपको बता दें कि सुधीर शर्मा बैजनाथ से कांग्रेस विधायक हैं, लेकिन चंद रोज पहले कांग्रेस आलाकमान ने सुधीर को ज्वालामुखी शिफ्ट होने का फरमान सुनाया था और उनकी जगह मनोज गद्दी को टिकट थमाया था, लेकिन आलाकमान ने एक बार फिर से टिकट बदलते हुए सुधीर को धर्मशाला से ही फिर से चुनाव लड़ने का फरमान सुनाया है। हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुझे धर्मशाला से प्रत्याशी बनाया है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और बीच में कई बातें उठी थी तो मैं समझता हूँ कि अब उन बातों पे भी विराम लग गया है। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं धर्मशाला में आ गया हूँ, मैं यहीं रहूँगा, अपना बाकी का जीवन यहाँ व्यतीत करूँगा। और जिस तरह का उत्साह मैंने जनता के बीच में देखा है और जिस तरह का रोष वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही पीछे 5 वर्ष उनके खिलाफ है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की स्थिति जो है वो प्रदेश के अंदर मजबूत है और कांग्रेस पार्टी निस्संदेह प्रदेश में एक मजबूत सरकार जो है वो स्थापित करने जा रही है। जैसे कि हमने बताया कि धर्मशाला हिल स्टेशन भी है, लिहाजा यहाँ विकास की कल्पना की जाती है। विकास के मसले पर जब जनता से मुखातिब हुए तो हमें मिली कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया। फुहारा चौक है, ये वैसे का वैसा ही है, फाउंटेन लगे हैं लेकिन चलता नहीं है काफी साल से, बाकी ये सड़के सुड़के आप देख लो आपके सामने ही है। धर्मशाला में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो इसी सरकार में नींव पत्थर रखा और इसी में इनोग्रेट हुआ और उसमें 25 स्टूडेंट अभी स्टडी कर रहे हैं। सिंथेटिक ट्रैक, इंडोर स्टेडियम जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की गेमें हो रही है, हिमाचल प्रदेश नहीं अपितु पूरे देश से यहाँ पे बच्चे गेमें खेलने आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे पहले एक ना फंक्शन होता था समर फेस्टिवल, आजकल वो नहीं हो रहा जब से IPL स्टार्ट हो गया है। और बाकी सड़क वगैरह तो ठीक है और हॉस्पिटल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ जाते कुछ ज़्यादा केयर वगैरह नहीं होती है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी थी
उस समय के बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। मैं ये कहूँगा कि विकास की यहाँ गंगा बही है। यातायात की बहुत समस्या है, पार्किंग फैसिलिटी नहीं है शहर में, उसके कारण आए दिन यहाँ जाम लगा रहता है। पानी की बड़ी समस्या है हमें, और हॉस्पिटल में भी कभी डॉक्टर मिलते हैं कभी नहीं मिलते, और दवाई दुई की भी बड़ी समस्या है, कभी तो मिल जाती कभी नहीं मिलती है। परिसीमन के बाद धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के स्वरूप में परिवर्तन जरूर आया है। नगरोटा विधानसभा की जहां कुछ पंचायतों को इसमें मिलाया गया है, वहीं इसकी कुछ पंचायतों को शाहपुर और कांगड़ा विधानसभा में मिलाया गया है। फिलहाल बीजेपी कांग्रेस ने कमर कस ली है, जनता ने भी 4 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए खुद को तैयार कर लिया है। देखना दिलचस्प रहेगा कि धर्मशाला विधानसभा सीट का सिरमौर अब के किस पार्टी का प्रत्याशी बनता है।